हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षय बिस्सा, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करते हैं जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ जीनर डायोड। यहाँ मैंने जीनर डायोड का सिंबल बना रखा है। दिस इज़ द सिंबल फॉर जीनर डायोड। दिस इज़ एनोड, दिस इज़ कैथोड, और यहाँ हमने एक नॉर्मल डायोड, उसके आगे एक जेड का साइन लगा रखा है। That denotes for zener. It is a special purpose diode used for operation in reverse biasing. हमें पता है जो normal PN diode होता है वह forward bias में work करता है, लेकिन zener diode एक special diode है, special purpose diode है, जो कि reverse bias में भी work करता है. This is the one and only diode which work in forward as well as reverse bias. यानी ये एक ऐसा diode है जो यही एक ऐसा diode है जो forward और reverse दोनों biasing में वर्क करता है। हमने यहाँ लिख रखा है नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में नहीं करेगा, जबकि जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी कंडक्शन करता है, रिवर्स बायस में भी कंडक्शन करता है। जब रिवर्स बायस में कंडक्शन करता है तो उस समय होता है हमारा ब्रेकडाउन। हमने कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है। दिस इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर द जीनर डायोड। फॉरवर्ड बायस में यह वोल्टेज क्रॉस होने के बाद करंट फ्लो होती है, उसी तरह रिवर्स बायस में इस पॉइंट पर ब्रेकडाउन होगा। दैट इज़ द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद में ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करता है, करंट सडनली इंक्रीज़ होती है। वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होता, लेकिन करंट सडनली इंक्रीज़ होती है। इसी कैरेक्टरिस्टिक का हम यूज़ करते हैं रेगुलेशन में, यानी वोल्टेज रेगुलेटर के को बनाने में। तो जब यहाँ ब्रेकडाउन होता है तो हमें पता है कि क्या होगा, एकदम से करंट इंक्रीज़ होगी। यही ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज जीनर ब्रेकडाउन एंड सेकेंड इज एवलांच ब्रेकडाउन। आज हम अंतर पढ़ते हैं जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या अंतर होता है। हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज एवलांच ब्रेकडाउन एंड द सेकेंड इज हियर जीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन क्यों होता है? अकर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमी कंडक्टर बाई अप्लाइंग हायर वोल्टेज और एवलांच प्रोसेस। और इस तरफ हमें लिखा है इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अक्रॉस द बैरियर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वह अदर बॉन्ड पे जाके ब्रेक स्ट्राइक करेगा, जिससे उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक आयन निकलेगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके एक अदर एटम पे स्ट्राइक करेगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक आयन निकलेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक से दो, दो से चार, चार से आठ बढ़ते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के ऊपर और उससे आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती रहती है। इस तरह से क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस वजह से जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज़ द एवलांच ब्रेकडाउन। इसे हम एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। जबकि जीनर डायोड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट में जो बैरियर है वो चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे एक फ़ोर्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, बैरियर पे फोर्स बढ़ेगा और चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, यानी वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन हमारा शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द जीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में ये अंतर हुआ। इसमें क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन में रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ द जंक्शन डिस्ट्रॉय। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि जीनर ब्रेकडाउन में ऐसा कभी नहीं होता। एवलांच ब्रेकडाउन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हमारा काम हो जाएगा, जबकि जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग होना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज अकर एट द ग्रेटर देन 4 वोल्ट, यानी जो एवलांच ब्रेकडाउन है वह वो ग्रेटर देन 4 वोल्ट पे अकर होगा, जबकि जीनर ब्रेकडाउन है वह लेस देन 4 वोल्ट पे अकर होगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशियंट। एवलांच ब्रेकडाउन का जो टेम्परेचर कोफिशियंट है दैट इज़ द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, जबकि
जिनर का नेगेटिव है। एवलांच ब्रेकडाउन कोलिजन की वजह से होता है, जबकि जिनर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से होता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एवलांच एंड जिनर ब्रेकडाउन। थैंक यू सो मच।